आके गाली दे रहे हैं। गाली ना देला और आन देला। हाँ, क्या औरान दिए? मरबो करी है। हाँ, केव के जायदाद रोज नुकसान हुई तो केव पर फ्री। कौन लोग हैं जरा बताइए, नहीं कोई पहचान है किसी की? पहचान अब हम जाओ ना किसी के बताइए। कौन रविंदर? उस दिनों कौन सा लड़का था जो गाली देकर गया? कब औरत है, कब पुरनिया है, कब लौंडा है, तीन पाई के आवल रोज आके गाली और गलो धमकी देते हैं। जानवर रोज चल के रतिया में है ये पगवाटा काटा है कि हमने कहीं बढ़ाई पगा नहीं है क्या? पगा मैं दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी में रखा और पगा रखो दूर रसी ए में लगा खेतरबान कान देता है ना उतरान हो पाई इन गाय को आजाद करने की जो मेरी मंशा थी वो अधूरी रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रोज लड़ाई झगड़े और गाली गलौच हो रहे हैं, डेली सुबह का काम यही है, गांव वाले आते हैं, ये केवल और केवल बुनियादी ढांचा कमजोर होने की वजह से है। कई बार इनसे बोला गया कि बुनियादी ढांचा मजबूत कर दो, लेकिन ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, प्रशासनिक लेवल पे बिल्कुल ना के बराबर है। ये देखिए बारिश हो जाए तो सब डूब जाए, एक तरफ हमें बारिश चाहिए पौधा उगाने के लिए और दूसरी तरफ ये भी डर है कि बारिश हुई तो फिर ये पूरा यहाँ पर गंदगी फैल जाएगा, पूरा पानी हो जाएगा, पूरी छत टूटी हुई है, छत के बीच में गैप है, बाउंड्री टूटी हुई है, बिल्कुल बुनियादी ढांचा एकदम टूटा पड़ा हुआ है। और गौ रक्षकों को अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा कंसर्न है। हाँ, रोज घर के दरवाजे पे आ रहे हैं? रोज के काम हमारी गाड़ी सुने थे। हाँ, हमारा नाम है नहु कहा। हाँ, सलो पाई के सुधरे के चारों गाड़ी सुने। अरे हाँ, वो लोग को हम रास्ता वाले सुने लिए, पर वो लोग आसुन नहीं हैं। मतलब इस तरीके से तंग कर रहे हैं सब? तंग ना जे कर नुकसान हो कहबे करी। तो गाय तो उन्हीं ने छोड़ी है ना अपनी, तो आप लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं सब? हाँ, ये देखिए भाई, इनकी व्यथा सुन सुन के मैं जो है, क्या आपको थोड़ी बहुत लगता है कि इनके साथ क्या किया जाए? ये जितनी भी गाय हैं, क्या ये इनकी व्यक्तिगत गाय हैं? ये किसी ने किसी को दूध पिलाई होंगी, खिलाई होंगी, है ना? और गौशेवों के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें बताइए? जो भी है गौसेवकों के साथ में इस तरीके से बदतमीजी करना क्या अच्छी बात है? तो गांव वालों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, रास्ते पे चलते हुए इनके घरों पे जाके शिकायत करना, रोज इनकी बातों को आके रास्ते में महिलाओं को भी अब तंग करने लग गए हैं, महिलाओं को जो गौशाले पे काम कर रही हैं उनको लोग चैलेंज कर रहे हैं। माता जी, आपके साथ में भी ये लोग गाँव वाले शिकायत कर रहे हैं? हाँ, हाँ, तो आप लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं? हाँ, कल यहाँ कौन थे? कौन सा? अरे सब अपनी गाय लेकर आते हैं और बोलते हैं बाहर छुट्टी है, पिछली बार मैंने जब रिकॉर्डिंग की थी तो उनकी अपनी गाय यहाँ पे है बोल रहे हैं, अपनी गाय को लाकर बोलते कि ये गाय नहीं आई है क्या? नहीं, अच्छा, अपनी गाय लेकर आके बोलता है गाय छूटी हुई है, तो मैंने सब उसका टैग किया, उसका नाम, मैंने कहा ये किसका नाम है? कहता मेरा नाम है। मैंने कहा ऐसे झूठ बोलोगे? वो अपने ही गाय को लाके बोलता छूटी हुई गाय गौशाले में बांधने के लिए। अब ये हथकंडे अपना रहे हैं कि अपनी गाय भूसा तो कोई खिला नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से वो लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, ये तो प्रशासन की लापरवाही है, इतना घटिया ढांचा इन्होंने बना रखा है। हाँ हाँ हाँ, और कैसे पता गौशाले की थी? नहीं, कैसे पहचाने गौशाले की है? नहीं, वो आपको देख रही है ना, लेकिन इन ये गौशाले की गाय कैसे पहचाने? और वैसे तो 20-25 गाय छुट्टा घूम रही है और यहाँ पे तो वैसे ही देख रहे हो
कितनी मुश्किल से बना हुआ है, और ये अभी बनना बाकी है। यहाँ पे जो शेड है ना, एक और शेड बने तब जाके इनका कुछ जुगाड़ हो पाए। पिछली बार पुलिस वाले आके देख कर गए थे किस तरीके, क्या फायदा मिला इनको ये उखाड़ कर। एकदम परेशान हो गया हूँ। ये पौधे देखिए, यही पौधे हैं जिनको बता रहा था। हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं और लोग यहाँ पौधे उखाड़ रहे हैं, और मैं अभी जब इसका इंस्पेक्शन बाहर की तरफ से कर रहा हूँ, ये गौचर का एरिया जहाँ बच्चे खेलते हैं। अब बताइए मैं किस पे इल्ज़ाम लगाऊँ? गाँव वाले बच्चे सब इस गौशाले पे एकदम जो है आ गए हैं, इनके पौधे उखाड़ दे रहे हैं। ये नीपेर घास है, इसको उखाड़ दिए हैं पूरा। अभी लेटेस्ट मैंने लगाया है, इसी तरीके से पूरी तरफ फेंका हुआ नज़र आ रहा है। बल्लियाँ तो गिर गई हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ काम हो पाए यहाँ पे। ये है पौधे जो फेंक दिए गए हैं उखाड़ के, इतनी दूर पौधे फेंके गए हैं। अब इतनी दूर तो पौधे उड़ के आ नहीं सकते इस एरिए में, पीछे का रास्ता है ये, है ना। जगह जगह इन्होंने ऐसे अपनी तरीके से फेंक रखा है। ये सब गौचर की भूमि है। भैया किसके घर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? गाय लेने आए हैं? खुद से मैंने बल्लियाँ लगाई हैं, क्योंकि अभी तक भी कोई मजदूर आया नहीं है, न तार आई है, तो ट्रैक्टर वाले को मैंने बुलाकर अभी खुद से जुताई हो रही है। सचिव साहब और बीडीओ साहब आए हैं, देखकर गए हैं, आदेश दिए हैं बीडीओ साहब सचिव साहब को। बारिश नहीं हो रही है तो हमारी समस्या बढ़ गई है कि पौधों को कैसे पानी दिया जा रहा है। ये देखिए गड्ढों से पानी भर भर के जो हमने बनाए हैं, उससे लोग पानी ले लेके पूरा सिंचाई कर रहे हैं कि पौधे को, तब जाके पौधे बच रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमने जो भी पौधे लगाए हैं उसमें 80% सर्वाइवल रेट सिर्फ इन दीदी लोगों की वजह से आ रही है। ये पावर है समूह का। एक दीदी खाद लेकर आ रही है, तीन दीदियां पौधे लगा रही हैं, और बाकी लोग दो जगह अलग अलग पानी डाल रहे हैं। ये हमारे सचिव जी हैं जो परेशान हैं आज वो भी लगे हैं, आज मीटिंग में नहीं जाएंगे, आज ये इसी काम में लगे हुए हैं। अगर बारिश हो जाती तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता, बारिश के इंतज़ार में अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। दीदी लोग हंस रही है, इनको शर्म आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा फोटो कॉन्शियस है। इधर आओ तुम, इधर आओ। कहाँ से आए हो? इधर आओ, पास आओ। कहाँ से घुसे हो? कहाँ से, कहाँ से? क्या नाम है तुम्हारा? आसिक। हाँ, आसिक। क्या? आसिक। आसिक कहाँ रहते हो? तमोली में। तमोली में, जो स्कूल के बगल में। क्या नाम है तुम्हारा उसका जो लीडर है? बदियार।
मुदियार ने तुमको भेजा है? भेजा नहीं, कवाड़ा बीन आए, डब्बा नहीं, कवाड़ा बीन है तो बाउंड्री में क्यों घुसे? क्या क्या उठाए दिखाओ जरा। कुछ डब्बा प्लास्टिक का डब्बा पर उठाए, कुछ नहीं। यहाँ से जो हड्डियाँ और ये तार जो टूटा है, लोहा तार, ये आप लेकर गए हो? नहीं, पहली बार। तो फिर कैसे गए? पहली बार आए हो? तुम्हारे बुधियार को मैं बोल कर आया था कि तुम्हारा कोई बंदा इधर आना नहीं चाहिए। हमको बोला नहीं। पिछली बार मैं आया था तो वहाँ गौ माता की हड्डियाँ पड़ी थी तुम्हारे इधर, मैंने बुधियार को समझाया था। आपने बुधियार से जाके मिलो और तार से कैसे घुस के आए आप, जरा बताओ मुझे। उधर जैसे नीचे मट्टी डाला हुआ, आओ दिखाओ जरा डब्बा। इसको चोरी कहते हैं, डब्बा ले लो, तुम डब्बा ले लो। जैसे तार मट्टी फेंका हुआ नीचे हो गया तो क्यों पूछ के आए? तार चोरी करने आए हो तुम? चोरी नहीं, जब तार लगा सुरक्षा के लिए लगाए ना, वो उठाओ और आज के बाद आना नहीं तुम। नहीं, तुम जाओ बुधियार को बताना कि पांडे भैया मिले थे, उनको दो बार मैं बता के आया हूँ। नहीं, तुम्हारा बुधियार बताया नहीं, जाके बुधियार से बात करो। मैं पहले भी उसको बोल के आ चुका हूँ, अगर गौशाले का कोई सामान चोरी हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को, और पहले भी तुम्हारे से पहले एक और लड़के आए थे यहाँ पे, दो तीन लड़के। मैं हर एक इंसान को नहीं समझा, कितनी फैमिली परिवार रहता है वहाँ पे। जाओ प्लास्टिक बटोर लो, अब आए हो तो। हमारे फॉर्म पे प्राकृतिक कृषि के आजमगढ़ के मास्टर ट्रेनर श्री महेंद्र सिंह आए हुए हैं और उन्होंने गौशाले का निरीक्षण किया है और जो उन्होंने देखा है, आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लगा इनको गौशाला और यहाँ का वर्क कैसा लगा। जी सर, आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, कैसा लगा सर आपको गौशाला? ये आपका प्रयास, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और सभी को चारा मिल रहा है और आपने हरे चारे की भी व्यवस्था कर लिया है, सुपर नेपियर आपने लगवाया है, तो धीरे धीरे हरा चारा जब तैयार हो जाएगा तो इनकी सेहत में और सुधार होगा और आपकी गौशाला जो है और अच्छी डेवलप करेगी। आपने करीब 5,000 से ज़्यादा पौधे लगा दिए हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आप लोग भारती से जुड़ी हुए हैं और मैं भी जुड़ा हूँ, तो हम लोगों को इस साल हरियाली माह में ये सारे पौधे लगाना है और आप तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना चुके हो, 5,000 लगा दिए पौधे अकेले अपने गौशाला पे, और अगले 8 अगस्त के बाद हम लोग जो है हर शंकरी का पौधा लगाएंगे, उसके बारे में हम लोग 27 को मीटिंग करेंगे और आगे और भी वृक्षों का रोपण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आजमगढ़ में वृक्ष लगाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे।